हेरे फटड़े ऊपरे तू पैर धरने ने अच्छा अरे मत नंद मत बेबे हम कई हो दर्शन हो जा दोनों के वो समय चैन का उसे फिर के भाई का फर्जी बहाने ते दुख देने का हो ना भाई का फर्ज दुखों में शासन तेरा चीर खींच रहा था तेरा कोई साथी हिमाती नहीं हुआ तूने रो करके मुझे बुलाया मैं दौड़ा चला आया तेरा इतना चीर बढ़ाया कि पापी दुशासन खींचता खींचता चक्कर खा करके धरनी में गिर गया लेकिन तेरे चीर का अंत नहीं होने दिया 13 साल की दरबदर की ठोकर जरूर खाई है मैंने हाँ। लेकिन इतनी भी पागल नहीं हुई हूँ इतनी भी याददाश्त मेरी कमजोर नहीं हुई है इतनी कि जो मैं अपनी आप बीती भूल जाऊं अच्छा हाँ क्या बोला भूली मैं नहीं हूँ भूला तू है याद करने की जरूरत तो मुझे नहीं तुझे है कैसे सुन ले मेरी बात सुना दे था कौन सा एहसान भला तन चढ़ा चढ़ाया ताया कौन सा तन
उन सातन ने चढ़ा रखा वो भेद खोल दे सारा। जब मारा था शिशुपाल हाथ में, मारा था शिशुपाल हाथ में, अरे चक्कर लग गया तुम्हारा। और जान गया मैं तो जान गया, तन पट्टी बंधी जब रुकी खून की धारा। जान गया तन पट्टी बंधी जब रुकी खून की धारा। याद आ गया उस समय तने कहा था कि द्रौपदी जो तने अपने सिर का चीर फाड़ के मेरे हाथ के पट्टी बांधी है। हाँ, इसका कई गुना दूंगा। इसका कई गुना नहीं, कई हजार, कई लाख, कई करोड़ गुना करके तने वादा किया था। तो वो मैंने पूरा किया। तो फिर ऐसे कैसे कह दिया कि मेरा मतन आसान बुलाइए, मैंने तेरा चीर बढ़ाया था। अरे जान गया तने पट्टी बांधी जब रुकी खून की धारा रे। जान गया तने पट्टी बांधी रुकी खून की धारा। जब वचन दिए अच्छा कि द्रौपदी तेरे धनमाल की भूखी होगी। अच्छा, क्योंकि मैंने बेरा तेरे पल्ले में कुछ है तो नहीं। अच्छा, क्योंकि पूरी जिंदगी काट दी तना अपने घर तक टूक को नहीं खाया, मैंने के बात देगा जागा तू। तन्ने बेरा है कि मेरे पल्ले कुछ नहीं है, लेकिन तू मुंह खोल के मांग ले, मैं जो मांगेगी वही दे दूंगा। अरे जानू सूरे जानू सुकंगाल, तू जग में के कंगाल देख ले। दक घाटे माँ दक टोटे माँ दक घाटे माँ रह जागी भात की तू कर के डाल देख ले। घाटे माँ रह जागी भात की तू कर के डाल देख ले। साप साप कहते बहना
साफ साफ कह दे कि भाई मुझे ऐसा बात चाहिए, मैं तेरा उसाई बात करूंगा। तो सुन ले भाई कृष्ण मुरार, अगर तू चाहे कि द्रौपदी तेरे हाथ से भात ले, हाँ, तेरा पटड़े के ऊपर आदर सत्कार करे, हाँ, तेरे नाम के मंगल गीत गावे, तेरा फर्ज बनता है, बनता है। लेकिन उससे पहले अगर तू चाहता है कि तेरा पूरी समाज में अपमान ना हो क्योंकि द्रौपदी ने भात नहीं लिया, जितना बढ़िया आदर सत्कार करेगी, जितना बढ़िया आरती करेगी, जितने बढ़िया बढ़िया मंगल गीत गावेगी, उतना ही बढ़िया भात भरूंगा, बिल्कुल गाऊंगी। और जितना जितना जितने बुरे गीत गाएगी और बुरा आरती करेगी, उतना ही बुरा भात भरूंगा। नहीं, मैं तो पहले कहूँ अगर या तो गाऊंगी कोने तेरे नाम के मंगल गीत। अच्छा, और गाएगी तो? गाऊंगी तो आत्मा का ही गाऊंगी। हाँ तो गा। लेकिन उससे पहले मेरी शर्त होगी। क्या शर्त होगी? तेरे नाम के मंगल गीत जब गाऊंगी, जब तू पहले मैंने तीन वचन देगा कि द्रौपदी तू जिसा चाहोगी उसे बात याद दे के जाऊंगा। तीन वचन? हाँ, तीन वचन। तीन वचन भर लूं? बिल्कुल। जब तू भात मांगेगी जी, तीन वचन में भर लूंगा, एक वचन तू मेरा भर लूं। बिल्कुल भरूंगी, लेकिन पहले मांग मेरी रहेगी। तीन वचन तेरे में भरता हूँ, एक वचन तू मेरा भर ले, और पहले तू मांग लिए और बाद में एक वचन मैं मांग लूंगा। बिल्कुल, कहते अपनी बात। अरे तीन वचन रे, तीन वचन भर ले तू छलिया, तीन वचन भर ले तू छलिया, ना मांगू हीरे मोती। और एक वचन तक एक वचन पहले दे दे, ना छोटू बहन फिरोती। जब भर दोनों ने वचन लिए, क्यों खड़ी बात पर रोती। वो तेरा मेरा, तेरा मेरा दोष नहीं ये पे समय सराणी होती। तेरा मेरा दोष नहीं ये पे समय सराणी होती। अठारह सोनी तल का पीऊं रे 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 रे, अठारह सोनी तल का पीऊं मन भैया खून पिलाई। द्रौपदी, हाँ भाई कृष्ण, तूने किसे भात मांग लिया? क्यों? अठारह सोनी दल का खून पिएगी? बिल्कुल, ये तेरा भात होगा। बिल्कुल, यही मेरा भात होगा, पिला दूंगा, लेकिन फिरौती मेरी भी दे दे। बिल्कुल दूंगी, चिंता ना कर। एक वचन जो तूने भरा है फिरौती मांग लूं? बिल्कुल मांग ले। तू कह रही है अठारह सोनी दल का मैंने भैया खून पिलाइए, और मेरा भी सुन ले। सुना, पांच पांडव और कृष्ण पे तू रहम द्रौपदी खाई है। पांच पांडव और कृष्ण पे रहम द्रौपदी खाई जना। अठारह सोनी दल में दो भाग थे, ग्यारह सोनी दल में कौरव और कौरव की सेना, और सात सोनी दल में पांच पांडव पांडवों की सेना। भगवान को नहीं, कौरव पांडवों को मिला करके, कौरव पांडवों की सेना को मिला करके, और भगवान कन्हैया को मिला करके, महाभारत में अठारह सोनी दल था,
जिसका खून द्रौपदी ने तीन वचन भरवा करके कृष्ण कन्हैया से खप्पर में मांग लिया, लेकिन कन्हैया अपने पांचों पांडवों का बचाव कर जाते हैं और अपना बचाव कर जाते हैं। कहिए वृंदावन मांगे वे हरिलाल की, पांचों पांडवों को छोड़ दे। अगर मुझे पता होता कि तू अपने एक वचन में, अगर कृष्ण मुझे पता होता कि तू अपने एक वचन की फिरौती के बदले में उन पांचों पांडव और अपना बचाव कर जाओगे तो मैं तुझे एक फिरौती के नाम का वचन बिल्कुल नहीं देती। तो मैंने छोटा सा एक वचन मांगा, छोटे से वचन में ज्यादा कुछ नहीं मांगा, पांच पांडव छोड़ दे, छठे अपने भाई को छोड़ दे। मैं वही तो कह रही हूँ कृष्ण, अगर मुझे पता होता कि तू आज फिर मेरे साथ में छल करेगा तो मैं तुझे ये एक वचन बिल्कुल नहीं देती। मत दे वचन हार हो जा। फौजी रोहतास पहलवान फतेहपुर से कई हजारों रुपए पहले और लगभग 500 रुपए श्राद्धनी पर दिए, बार बार धन्यवाद। आदरणीय बड़े भाई बच्चिया उर्फ गजराज, श्रीपाल चौहान वजीरपुर और राजेंद्र यादव ढोरका, जो पहले भी काफी ढेर सारा मान सम्मान पुरस्कार के रूप में दे चुके हैं और लगभग 1000 रुपए इस भजन पर, और इससे पहला जो भजन था लगभग 2000 रुपए उस भजन पर दिए थे, बार बार धन्यवाद। जयप्रकाश एएसआई धारेड़ू भिवानी 200 रुपए से इस भजन का मान सम्मान कर रहे हैं, बार बार धन्यवाद। सभी भक्तों का बहुत बहुत आशीर्वाद। तेरी रे फिरौती का पता रे नहीं था, तेरी फिरौती का पता नहीं था, मेरा मारी चोट कुढ़ाई। अरे तोर तेरी तोर तेरी तोर तेरी ते चली आई नफरती लई नराई, पर तुम छों के बिना रे कन्हैया मेरा खप्पर रह जा खाली। कलयुग में क्या कलयुग में भरवा दूंगा आज सवरे पांचाली, कलयुग में भरवा दूंगा आज सवरे पांचाली। अरे कृष्ण भात जय करण